जय हिंद दोस्तों, आज आपको मैं एलईडी और एलसीडी के बारे में है ना कुछ समझाने वाला हूँ। इससे आपकी काफ़ी नॉलेज बढ़ेगी। एक होती है एलसीडी, एलसीडी डिस्प्ले आपके फ़ोन की बैटरी ज़्यादा लेती है, या फिर एलईडी डिस्प्ले आपके फ़ोन की ज़्यादा बैटरी लेगी, वो मैं आपको इस वीडियो में क्लियर करूँगा। देखिए एलसीडी जो होती है ना, ये लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले है। इसके अंदर देखिए एलईडी स्ट्रिप दी हुई है। अगर हम इसे आसान भाषा में समझें तो इसमें बल्ब लगे होते हैं, एलईडी जिन्हें हम बोलते हैं, लाइट इमिटिंग डायोड इसमें दिए गए हैं। ज़्यादा पावर वाले बल्ब आप इस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे 100 वाट का बल्ब हो गया और एक 40 वाट का बल्ब, और होता वो भी बल्ब है मगर दोनों को बल्ब भी बोलते हैं। इसमें भी तो लगे होते हैं ना एलईडी, इसमें एलईडी कहाँ होती है? इसमें तो एलईडी स्ट्रिप दिखती ही नहीं है। जो एलईडी होती है हमारे फ़ोन में, एलईडी वाले जो फ़ोन होते हैं उनमें स्ट्रिप होती ही नहीं है एलईडी की, उसमें लाइट कहाँ से आती है? सबसे पहले तो लगी होती है एक ब्लैक शीट, ब्लैक पेपर। उस ब्लैक पेपर के ऊपर ये देखिए आपको जाली सी नज़र आएगी, ये एलईडी स्ट्रिप लगी है, एलईडी शीट बोलते हैं इसको। इसमें जब लाइटें जलती हैं सब में, उसके बाद इसके ऊपर यहाँ पे ये लगी होती है कलर प्रोड्यूस करने वाला ग्लास। नीचे जो ये एलईडी शीट लगी है ना, सिर्फ आपको रोशनी देगी, उसके बाद उसको ये कलर में प्रोड्यूस कर देगा। बेसिकली आरजीबी जिसे बोलते हैं, रेड ग्रीन ब्लू, ये कलर बना देता है। नीचे से लाइटें जलती हैं। और है ना, मुझसे काफ़ी बंदों ने है ना कमेंट करके पूछा था कि सर एलईडी और ओएलईडी में क्या फ़र्क होता है। देखिए आपने काफ़ी यूट्यूबर्स देखे होंगे कहते हुए कि एलईडी ओएलईडी सेम होती हैं, सुपर एमोलेड सेम होती है, पीओलेड भी सेम होती है। तो आज मैं आपको थोड़ा सा बारीकी से समझा देता हूँ। एलईडी के बाद जो एक हाई क्वालिटी की चीज़ मार्केट में आई है उसे ओएलईडी बोलते हैं, एमोलेड भी बोलते हैं, तो ये मैं आपको समझाना चाहूँगा। सैमसंग का ये M30 है, इसके अंदर एलईडी लग के आती है, ठीक है। ये एलईडी है, ये बेसिकली सैमसंग A30 की एलईडी है, ठीक है। अब जो एलईडी में होता है ना, ये टेक्नोलॉजी पहले की है एलईडी, उसके बाद आ गई ओएलईडी, फिर एमोलेड, इस तरीके से टेक्नोलॉजी बढ़ती चली गई। ये मैं एलईडी के बारे में आपको पहले समझा देता हूँ। देखिए जाली जाली से नज़र आती है ना, ये सब बल्ब हैं, इन्हीं को एलईडी बोलते हैं। ये लाइट प्रोड्यूस करते हैं, उसके ऊपर फिर इसे पिक्सल शीट भी बोलते हैं, ठीक है। ये पिक्सल नुमा टाइप में आपको लाइट देंगे, इसके ऊपर लगी होती है कलर प्रोड्यूस करने वाली पिक्सल ग्लास। ये ग्लास इसके ऊपर लग जाता है तो इसमें कलर आने शुरू हो जाते हैं, रेड ग्रीन ब्लू, आरजीबी कलर जिसे बोलते हैं। अब इस एलईडी में देखिए क्या खास होता है। ये जो एलईडी होती है ना, ये जैसे M30 हो गया, ये गिरेगा और हल्की सी भी एलईडी अगर ये चटकेगी ना, ये ऊपर का जो ग्लास है ये चटक जाएगा। और ये चटकने के बाद है ना, इसके ये जाली जैसी आपको ये दिख रही है ना एलईडी शीट, देखिए ये बहुत बारीक टेक्नोलॉजी होती है। ये हल्की सी भी चटक जाती है तो एक लाइट से भी अगर कनेक्शन टूट जाता है तो फिर पूरी डिस्प्ले की लाइट चली जाएगी, ठीक है। आजकल जो आ रही है एमोलेड डिस्प्ले, जैसे कि आपने सैमसंग S9 अल्ट्रा में देखी होगी, S21 अल्ट्रा में देखी होगी, या S20 अल्ट्रा में, जितने भी अपर मॉडल हैं सैमसंग के, उनमें क्या है, उनमें टेक्नोलॉजी को और ज़्यादा आगे बढ़ाया गया है। और उसमें जो दी गई है एमोलेड, वो फ्लेक्सिबल एमोलेड दी गई है। आपने कई वीडियोज इंटरनेट पर ऐसी देखी भी होगी, कैंची से काट भी दोगे तो भी बाकी एलईडी सारी अपनी काम करती रहती है, मगर इसमें वो चीज़ नहीं है। ये हल्की सी भी चटक जाती है ये पूरी डिस्प्ले काम करना बंद कर देगी। इसे बोलते हैं एलईडी, नॉर्मल एलईडी, ठीक है। अगर M30 में हम एलसीडी लगाना चाहें तो एलसीडी भी आती है और उसमें लाइट लगी होती है। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये जैसे कि सैमसंग की है, इसमें देखिए इस तरीके से ये एलईडी लगी होती है, एलईडी बल्ब। अब एलईडी ज़्यादा बैटरी लेती है आपके फ़ोन की या एलसीडी? आपको एक चीज़ बताया था, आप आसान भाषा में समझ लीजिए, इसमें लगे होते हैं 100 वाट के बल्ब एक तरह से। आप एग्जाम्पल के तौर पे आपको बता रहा हूँ, 100 वाट के नहीं होते मगर आपको समझाने के लिए मैं एक चीज़ बता रहा हूँ। बड़ी बड़ी एलईडी लगी होती है और इसमें एलईडी में लगी होती है बहुत बारीक बारीक। अब इसमें है ना ऐसा होता है एलसीडी में कि अगर कहीं पे ब्लैक कलर आ रहा है तो लाइट ये सारी जली रहेंगी प्रॉपर। अगर आपने एक बार पावर बटन दबा दिया तो ये लाइट बंद नहीं होंगी। कलर डिस्प्ले के भले ही चेंज होते रहेंगे मगर ये लाइटें बिल्कुल भी बंद नहीं होंगी, जिसकी वजह से बैटरी एलसीडी ज़्यादा खाती है। और ये हो गई एलसीडी की कहानी। और एलईडी जो होती है ना, इसमें जो मैं ये आपको पिक्सल दिखा रहा हूँ, ये जो एलईडी शीट लगी हुई है, जिस जगह ब्लैक कलर आ जाता है उस जगह की एलईडी अपने आप बंद हो जाएगी, डाउन हो जाएगी, अपने आप लाइट डाउन कर देगी, लाइट बंद हो जाएगी और ये आपकी बैटरी को बचा देती है। आपने देखा होगा एलईडी वाले फ़ोन जो भी होते हैं उनमें कम mAh की बैटरी यूज़ की जाती है। जैसे कि मैं एग्जांपल तो OnePlus 6 का, उसमें एलईडी लगी हुई है, उसमें 33 mAh की बैटरी उसके अंदर लगी हुई है, अगर मैं सही हूँ तो आप चेक कर लेना। तो उसमें इतने कम mAh की बैटरी भी अच्छा काम करती है, अच्छा रिस्पॉन्स दिखाती है। मगर जो LCD वाले फ़ोन होते हैं इनमें आप देखोगे 6000 mAh की बैटरी लगी होती है, मगर वो उतना ही रिस्पॉन्स देते हैं जितने वो 3300 mAh वाला फ़ोन दे रहा होता है। तो यही कारण होता है दोस्तों, LED जो होती है हमारी ये लाइट की कम खपत करती हैं LED, और जो LCD होती है वो हमारी बैटरी को ज़्यादा पिएंगी। इसीलिए अगर आप कोई भी LCD वाला फ़ोन अगर परचेज़ करते हैं तो उसकी बैटरी कम से कम 6000 mAh की होनी चाहिए, नहीं तो 5000 से तो ऊपर होनी चाहिए, उससे नीचे की बिल्कुल भी मत खरीदना आप।
और अगर एलईडी वाला कोई फ़ोन आप ख़रीद रहे हैं तो उसमें भले ही आपको 4000 mAh की बैटरी भी अगर हो तो भी आप उसको परचेज़ कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, आराम से आपकी बैटरी चल जाएगी। मेरा ख्याल है आपने एलईडी देखो पहली बार देखी होगी, आपके लिए देखो एक घंटा मेहनत की है मैंने, हाथ भी फुड़वा लिया आपको दिखाने के लिए। ये इस तरीके से मैंने ग्लास उतारे हैं, इसके कांच कई बार लगे हाथ में मगर आपको दिखाना बहुत ज़रूरी था। देखिए ये जाली सी दिख रही है ना, ये सब पिक्सल्स हैं, इन्हीं को पिक्सल बोलते हैं। ये जब लाइटें जलती हैं ना तो जब ये ग्लास लगा होता है इसके ऊपर तो ये कलर प्रोड्यूस करके दिखाता है हमको, वरना अगर ये ना हो तो हमें पूरी डिस्प्ले ब्लैक एंड वाइट नज़र आएगी। मेरा ख्याल है आप एलईडी और एलसीडी का कंसेप्ट समझ गए होंगे, एलसीडी किसे बोलते हैं और एलईडी किसे बोलते हैं। एलईडी में आपको स्ट्रिप नहीं मिलेगी लाइट की, उसमें पूरी डिस्प्ले में, मैंने पहले एक वीडियो बनाई थी तो एक भाई ने मुझे कमेंट करके बोला था सर पूरी डिस्प्ले में लाइट कैसे हो सकती है, तो भाई देखो ये एलईडी है, मैंने आपके सामने खोल के दिखा दी। जैसे इसमें स्ट्रिप होती है ना लाइट की, ये जो आपको लाइटें नज़र आ रही हैं इसमें नज़र ही नहीं आएगी भाई कहीं भी, क्योंकि एलईडी में है ना इसके इंटरनल में इसके पिक्सल्स के अंदर लाइटें होती है, ये होती हैं। ये लाइटें जब जलती हैं तो उनको पिक्सल जैसे कलर में पिक्सल दिखाने के लिए फिर ये ग्लास लगाया जाता है ऊपर से, बहुत बारीक ग्लास होता है। देखो मैं आपको दिखाऊं, मैंने वैसे ढेर लगा रखा है इस ग्लास का, देखो कितना पतला कागज़ की तरह ग्लास होता है, ये कलर प्रोड्यूस करके देता है आपको इसकी लाइट का। फिर वहाँ पे उसके ऊपर फिर लगा होता मल्टीमीडिया ग्लास, काफ़ी सारी चीज़ें उसमें आ जाती हैं। फिर उसके ऊपर एक लगी होती है पोलराइजर, किसी और वीडियो में आपको मैं पूरी सारी शीट्स के बारे में बताऊँगा, कौन कौन सी शीट डिस्प्ले पे लगी होती है, किस किस वर्क के लिए लगी होती है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।